बिग बॉस OTT 3 के लाइव फीड में हमने देखा कि अरमान मलिक को फिर से हुई कच्ची रोटियों से परेशानी। इस बार अरमान मलिक ने कैमरे के सामने आकर कहा कि घर का कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा ऐसी कच्ची रोटियां। जब खाना रेडी हो जाता है और अरमान मलिक अपना खाना लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर रोटियों को देखकर वो भड़क जाते हैं और नेजी से कहते हैं कि ये कैसी कच्ची रोटियां बनाई है तूने। तो उस पर नेजी जवाब देते हैं कि रोटियां मैंने सिर्फ सेकी है, वो बेलने की वजह से ऐसी हो गई है, जिसने बेली है उससे जाकर बोलो। जिस पर कि अरमान मलिक दोनों रोटियों को अपने हाथ में लेकर कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि देखो ये कैसी रोटियां हैं, मतलब कि घर का कुत्ता होता है वो भी नहीं खाएगा ऐसी रोटियां। फिर उसके बाद अरमान मलिक कृतिका को बुलाकर रोटियां दिखाते हैं और फिर उसके बाद कृतिका के हाथ से रोटियां लेकर एक एक इंसान को वो रोटियां ले जाकर दिखाते हैं कि देखो ये कैसी कच्ची रोटियां हैं, ऐसी रोटी कौन खाता है भला। आगे अरमान कहते हैं कि दिन की सिर्फ 2 रोटियां ही तो हमें मिलती है, अगर वो भी ऐसी मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। फिर चंद्रिका आकर बोलती है कि विशाल ने बेली है रोटियां, उससे जाकर बोलो। तो अरमान विशाल से जाकर कहते हैं कि देख मुझे तुझसे कोई पर्सनल इशू नहीं है, पर इस तरह की रोटियां मैं नहीं खाऊंगा। तो विशाल कहते हैं कि वो रोटियां बेल कर रख दी थी इस वजह से ऐसी हो गई है, मैंने तो अच्छी ही बेली थी। उसके बाद भड़के हुए अरमान नेजी के पास जाते हैं और कहते हैं और अपनी पसंद का मीट का पीस मांगते हैं कि मुझे ये वाला ही चाहिए, मुझे ये वाला तुझे देना पड़ेगा। और उसके बाद अरमान कृतिका से कहते हैं कि तू मेरे लिए 2 रोटी बना दे, जिसके बाद कृतिका और चंद्रिका अरमान के लिए 2 रोटियां बनाकर देती है। उसके बाद अरमान खाना खाते हैं। तो बस गाइस आज की अपडेट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और बिग बॉस की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई अपडेट के साथ। बाय।